हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी स्पर्श पाठ्य पुस्तिका की। यहाँ पर गद्य काव्य खंड से हम मीरा के पदों के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ पर देखिए, मीरा ने ये पद लिखे हैं और इन पदों की हम व्याख्या, साथ ही साथ इनके शब्दार्थ और इनमें जो भाव हैं उन भावों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, मीराबाई क्या कहती हैं। मीराबाई ने अपने पदों में यहाँ पर क्या लिखा है। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, द्रौपदी री लाज राखी, धरियो आप शरीर। यहाँ पर मीराबाई क्या कह रही हैं कि हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखो राखी, आप बढ़ायो चीर। ठीक है, भगत कारण रूप नरसिंह नरहरी, धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंडजर तीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भी। यहाँ पर मीरा दास सॉरी मीरा बाई ने क्या कहा है कि हरि आप हरो जनरी भीर। अब इसकी व्याख्या में यहाँ पर क्या कहा गया है कि यह पद जो है मीराबाई द्वारा आपके जो स्पर्श गद्य जो पुस्तिका है उससे ली गई है। अपने आराध्य जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा कि मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। तो यहाँ पर मीराबाई क्या कह रही हैं कि भगवान अपने आराध्य श्री कृष्ण को समर्पित है। ये जो पद लिख रही हैं वो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के लिए वो समर्पित कर रही है। इस पद में मीरा ने अपने जीवन के दुख और संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए उन घटनाओं का स्मरण किया है जिसमें भगवान ने अपने भक्तों की जो है सहायता की थी। तो यहाँ पर मीराबाई जी क्या कह रही है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने आपने अन्य भक्तों की आपने रक्षा की, उसी प्रकार उनके संकट हरे, उसी प्रकार से आप मेरे संकट भी हरिए। ठीक है, तो एक एक करके पदों को पढ़ेंगे, इनके अर्थ भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, प्रथम पंक्ति में यहाँ पर क्या कह रही है मीराबाई कि हरि आप हरो जनरी भीर। तो इसका अर्थ क्या है कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप जो है अपने भक्तों की संकट और परेशानियों को दूर करें। तो पहली पंक्ति का यहाँ पर क्या अर्थ है, हरि आप हरो जनरी भीर। भीर का मतलब यहाँ पर संकट और परेशानियों से है। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने अपने अन्य भक्तों की क्या की है, रक्षा की है, उनके संकट हरे हैं, उनकी परेशानियों को दूर करे हैं, आप जो हैं मुझ में अपने भक्तों के जो है संकट और परेशानियों को दूर करें। दूसरी पंक्ति में यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, द्रौपदी री लाज राखी। तो आप सभी जानते हैं कि द्रौपदी की जो है जब तीर हरण हुआ था तो उस समय पूरी सभा में ना तो पांडवों ने उसकी उनकी रक्षा की और ना ही वहां पर जो बड़े बड़े गुरुजन और जो भी भीष्म पितामह जो बड़े बड़े लोग थे, किसी ने भी द्रौपदी की रक्षा नहीं की थी। तब अंतिम समय में द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण ने उनकी जो तीर था वो इतना बढ़ा दिया था कि दुशासन का जो दम था वो निकल गया था। उस समय जो है वो थक करके हार चुका था। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रही है दूसरे लाइन में कि द्रौपदी री लाज राखी, तो आप जो है आप बढ़ायो चीर में जो है महाभारत की उस घटना का यहाँ पर उल्लेख कर रही है कि जब द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका चीर बढ़ाया और उसे कौरवों के अपमान से बचाया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर मीराबाई ने क्या कहा कि जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की रक्षा की, ऐसे ही आप हमारे संकटों की, अपने भक्तों की संकटों की रक्षा कीजिए, हमें संकटों से बचाइए। तीसरी पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि भगत कारण रूप नरहरी, धरियो आप शरीर, भगत कारण रूप नरहरी, धरियो आप शरीर। इसका तात्पर्य है कि भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो आप सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप जो है एक क्या था, राक्षस था, और उसी राक्षस कुल में प्रह्लाद जो है जो कि भगवान विष्णु के जो है अनन्य भक्त रहे। अब जो है क्योंकि वो विष्णु हिरण्यकश्यप तो राक्षस था, वो अपनी पूरी प्रजा को स्वयं को भगवान बता करके अपनी प्रजा पे जो है राज करता था और वो किसी भी देवता को नहीं मानता था।
वो जो है खुद को ही भगवान बताता था, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद ने जो है वो बचपन से ही माँ के गर्भ से ही वो भगवान की भक्ति से जो है प्रेरित रहे। और जैसे ही उनका जन्म हुआ, क्योंकि जब वो गर्भ में थे नारद जी ने उनकी भक्ति के बारे में उनकी माता को बताया था, तो तब से ही वो भगवान के अनन्य भक्त हुए। और जैसे ही 5 वर्ष की उम्र में ही उनके पिताश्री ने उनके साथ जो है बहुत अत्याचार किए, कई जगह उन्हें कहीं सांप के गुफा में डाल दिया, कहीं पहाड़ों से गिराया, कहीं उन्हें आग लगा दिया। जो होलिका को क्योंकि क्या था, उनको वरदान था कि आप आग से जो है, अग्नि जो है उनको जला नहीं पाएगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रहलाद को जो है, जो हम होलिका मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं, वो इसी कहानी से प्रेरित होके हम इसको मनाते हैं। तो क्या हुआ, जब होलिका ने क्या कहा, जब कई प्रयत्न करने के बाद भी हिरण्यकश्यप ने जो है प्रहलाद को नहीं मार पाए, क्योंकि वो विद्रोह कर रहे थे अपने ही पिता का, तो फिर उन्होंने अपनी ही बहन जो होलिका थी, होलिका को अपनी गोद में, प्रहलाद ने को अपनी गोद में बिठाया होलिका ने, और ये जानकर कि मुझे अग्नि जला नहीं पाएगी और मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद मेरी गोदी में मर जाएगा। तो ये जान करके उसको पूरी रात जो है वो अग्नि की शैया में बिठाया जाता है। लेकिन होता क्या है, अंतम में जो है, अंतिम में भगवान विष्णु जो है उसकी रक्षा करते हैं प्रहलाद की, और होलिका वहीं पर जल जाती है, क्योंकि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने उस वरदान का दुरुपयोग किया था। तो यहाँ पर फिर अंतिम में क्या हुआ, जब हिरण्यकश्यप को जो है इतना प्रयत्न करने के बाद वो प्रहलाद को नहीं मार पाया, तो उसने फिर जो है उसने कहा, हर कण में मेरा भगवान है, पृथ्वी के हर कण कण में मेरा भगवान है। तो फिर हिरण्यकश्यप ने क्या किया, एक खम्भे को, लोहे को खम्भे को जो है बहुत गर्म कर दिया, और फिर क्या कहा कि बता क्या इस खम्भे में ही तेरा भगवान है। तो वहां पर जो है भगवान विष्णु ने जो है नरसिंह का रूप रखा, उस खम्भे को फाड़ करके जो है उस किसको, हिरण्यकश्यप को जो है वहीं पर उसका वध किया, जबकि उसको भी वरदान था कि ना तो वो मनुष्य से मरेगा, उसने तपस्या की ब्रह्मा जी की, तो उसको भी वरदान था कि ना वो दिन में मरेगा, ना वो रात में मरेगा, ना वो आकाश में, ना वो धरती में, ना ही वो किसी अस्त्र और शस्त्र से मरेगा, और ना ही वो किसी पशु या मनुष्य से मरेगा, इस प्रकार का उसको भी वरदान था। लेकिन भगवान ने एक ऐसा विचित्र रूप रखा जो आधा शेर का था, आधा मानव का था, जिसको हम नरसिंह का रूप कहते हैं। भगवान के इतने लंबे लंबे नाखून थे, और उसको वरदान ये भी था कि ना वो अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा। तो भगवान ने उसको उठाया और उसको ये कहा था कि अपने ना तो आकाश में मरेगा ना जमीन धरती पर मरेगा। तो भगवान ने उसको उठा करके अपने जांघाओं पे रखा और वहीं लेटा करके उसका पेट फाड़ा और उन नाखूनों से उसका वध कर दिया था। ठीक है ना, तो इतना विकराल रूप। और उसके बाद भी जब भगवान शांत नहीं हुए, उनका क्रोध इतना बड़ा हुआ था, भगवान शांत नहीं हुए, तत्पश्चात जो है सभी देवता लोग जो है प्रहलाद के पास गए, क्योंकि भगवान जो है अशांत हो गए थे, वो विचलित हो गए थे ऐसे रूप रख करके। तब प्रहलाद के सामने और आग्रह करने पर ही भगवान अपने स्वयं जो उनका विष्णु रूप है उस रूप में आए थे। तो जो है भगवान ने जो है अपने भक्तों की रक्षा के लिए जो है इस प्रकार के रूप रखे हैं, अवतार रखा है। तो नरसिंह, तो यहाँ पर मीराबाई इसी बात को कह रही है कि जैसे आपने जो है भगत, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भगत कारण रूप नर हरि, तो आपने जो है हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपने जो है भक्त के कारण जो है क्या किया है, नरसिंह का रूप रखा है। और नरसिंह का रूप क्यों रखा, क्योंकि हिरण्यकश्यप को जो है वरदान था कि ना तो वो मनुष्य से मरेगा, ना देव से मरेगा, ना दानव से मरेगा, ना मानव से मरेगा, तो इसलिए भगवान ने उसको मारने के लिए नरसिंह का रूप रखा, जो आधा सिंह का था आधे मानव का था। फिर उसके लंबे लंबे उनके नाखून थे, जिनसे जो है उन्होंने उस हिरण्यकश्यप का जो है पेट फाड़ा, उसको आकाश, और उस समय जिस समय उसका वध किया भगवान ने, उस समय शाम का समय था, सायकाल का समय था, न दिन थी न रात था। तो भगवान के पास हर चीज का तोड़ है, ठीक है ना। यद्यपि राक्षस ने अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन वो उसने फिर सोचा कि मैंने सब कुछ, मैं अमर ही हो गया हूँ, ठीक है ना। अंतिम में जो है भगवान ने उसका वध कर दिया था। तो इसी बात का यहाँ पर मीरा जी क्या कर रही है, मीराबाई ने कहा है कि भगत कारण, कि भक्त के कारण, प्रहलाद भक्त के कारण भगवान ने जो है किस रूप में, रूप नर
हरि धरियो आप शरीर। आपने जो है नरसिंह का रूप जो है अवतार रख लिया था हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। तो यहाँ पर मीराबाई इसी बात को यहाँ पर आपको बता रही है कि तीसरी पंक्ति में क्या कह रही है, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। हे प्रभु, आपने भक्तों के कारण जो है नरसिंह का रूप धारण कर दिया था, ठीक है ना। तो आगे कहती हैं, और उसका वध कर दिया था, किसका, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था, जो कि प्रहलाद के ही पिताजी थे, लेकिन वो राक्षस प्रवृत्ति के थे। उन्होंने भगवान के भक्त पर अत्याचार किया और अंतिम में उसने उसको जो है भगवान ने परलोक पहुंचा दिया, उसका वध कर दिया था। चौथी पंक्ति में क्या कहते हैं, बूढ़ तो गजराज राखो काटी कुंजर तीर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं गजेंद्र मोक्ष की कथा का उल्लेख है, इसमें जो है गजेंद्र मोक्ष की कथा है, जो उसका उल्लेख है कि जब एक मगरमच्छ के पकड़ने पर जो है गज यानी हाथी ने भगवान विष्णु से जो है सहायता मांगी और भगवान ने उसकी पीड़ा दूर कर दी थी। तो यहाँ पर इस लाइन में मीराबाई अलग अलग कहानियों की, अलग अलग कथाओं की, जिसमें भगवान ने जो है अपने भक्तों की रक्षा की थी, भगवान ने जो है भक्तों की रक्षा के लिए जो है अपना अवतार रखा हुआ था। तो क्या कह रही है कि मैं गजेंद्र मोक्ष की यहाँ पर कथा का उल्लेख है इस इन पंक्तियों में, जब एक मगरमच्छ के पकड़ने पर गज यानी कि हाथी ने जो है भगवान विष्णु से सहायता मांगी थी। तो एक मगरमच्छ ने जो है एक गज को यानी कि हाथी को पकड़ लिया था, जिससे उसने भगवान से जो है प्रार्थना करने की, सहायता करने की जो प्रार्थना की थी, और भगवान ने जो है उसकी पीड़ा दूर की थी। तो इन चार पंक्तियों में यहाँ पर मीराबाई जो है क्या उल्लेख कर रही है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने अपने भक्तों की रक्षा, अपने उनकी परेशानियों, उनके संकट को दूर किया है, वैसे ही आप हमारे कष्टों और संकटों को भी दूर करो। द्रौपदी की आपने जैसी लाज रखी, कौरवों के सामने जो है अपमान से उसको बचाया, ऐसे ही आप हमारी रक्षा कीजिए। जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए जो है नरसिंह का रूप रख करके हिरण्यकश्यप का जो वध कर दिया था और गजराज के प्रार्थना करने पर आपने उसकी रक्षा की थी, ऐसे ही आप हमारे संकटों को भी दूर कीजिए। तो ये चार पंक्तियों की आप यहाँ पर अर्थ लिख लेंगे अलग अलग। इसके बाद अंतिम पंक्ति में जो पहले पद है उसमें क्या लिखा है, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी धीर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रही है मीराबाई, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं मीराबाई जो है भगवान से प्रार्थना कर रही है। इन पंक्तियों में मीराबाई भगवान से प्रार्थना कर रही है कि वह उसकी पीड़ा और दुखों को दूर करें, जैसे उन्होंने अपने अन्य भक्तों की सहायता की। और मीरा खुद को भगवान की दासी मानती है और अपने आराध्य श्री कृष्ण से कृपा की याचना कर रही है, ठीक है ना। तो इन पंक्तियों में, अंतिम पंक्ति में क्या कह रही है कि दासी मीरा लाल गिरधर, कि हे प्रभु, मैं जो हूँ आपकी दासी हूँ, आप जो है हरो मारी भीर। तो आप जो है मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को हरिए, जैसे आपने द्रौपदी की, प्रहलाद की और गजराज की रक्षा की है, उसके कष्ट हरे हैं, उनके दुखों का निवारण किया है, इसी प्रकार से आप इस दासी मीरा के भी कष्टों को और दुखों को आप दूर कीजिए। तो इस प्रकार से इस पद में मीरा ने विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख किया है, भगवान श्री कृष्ण से अपने संकटों को हरने की यहाँ पर प्रार्थना की है। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, इनके अर्थ भी आप लिख लेंगे। जैसे हरि का मतलब यहाँ ईश्वर से है, हरो का मतलब हरण से है, हरण करना, जन का मतलब लोग, भीर का मतलब हो जाता है कष्ट या दुख, लाज का मतलब लज्जा, ठीक है। इसके बाद चीर का मतलब होता है वस्त्र या वस्त्रा, ठीक है। भगत का मतलब भक्त, और नरसिंह का मतलब नर हरि का मतलब नरसिंह रूप, गजराज मीन्स होता है ऐरावत, ऐरावत हाथी की रक्षा की थी, कुंजर का मतलब हाथी से है, और पीर का मतलब पीड़ा, और मारी का मतलब हमारी। तो यहाँ इन लाइनों में मीराबाई ने क्या कहा है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने अपनी अन्य भक्तों की रक्षा की है, उसी प्रकार से आप मेरी भी रक्षा कीजिए, मेरे कष्टों को भी हरिए, ठीक है। अब इन शब्दार्थों को लिख लेंगे और इसके अर्थ भी आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर काव्य सौंदर्य में देखिए, इन लाइनों में यहाँ पर भाव पक्ष क्या है कि मीरा कि कृष्ण के प्रति यहाँ पर अनन्य भक्ति का भाव प्रकट हो रहा है, ईश्वर की भक्ति पर दया करने की आदत पर प्रेम
प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से प्रार्थना करने पर ईश्वर जो है अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो इस पर यहाँ पर इन पंक्तियों का, इस पदों का यहाँ पर ये भाव है। अब इसमें कला पक्ष क्या है, भाषा क्या है, यहाँ पर मीराबाई की सरल एवं सहज है भाषा है, ठीक है। इसके बाद ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ यहाँ पर राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग हुआ है, शब्दों का प्रयोग हुआ है। काठी कुंजर जो है में अनुप्रास अलंकार है और पूरे पद में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक पंक्ति के अंतिम पद जो है, शब्द जो है क्या है, तुकांत है। ऐसे ही गेयात्मक शैली का प्रयोग किया गया है जिसको आप गा सकते हैं। तो ये है यहाँ पर कला पक्ष, साथ ही साथ यहाँ पर भाव पक्ष क्या है इन पंक्तियों का, ये भी हमने यहाँ पर देखा है। अब देखिए आगे की लाइनों में क्या कहती है मीराबाई कि श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधर लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहशु बाग लगाशु, नित उठ दर्शन पाशु, ठीक है। तो चाकर में दर्शन, चाकरी में दर्शन पाशु, सुमिरन पाशु, खर्ची भाव भगति जागीरी पाशु, तीनू बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, बिंद्रा वन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखा राखू बारी, सांवरी यारा दर्शन पाशु, पहल कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवणो धरो धड़ो अधीरा। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर मीराबाई क्या क्या यहाँ पर कह रही हैं, इसको हम आगे भाव, इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से लिख लेंगे। इन पंक्तियों को यहाँ पर क्या व्याख्या किया है मीराबाई ने, अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग भावों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है व्याख्या में, इस भजन में मीराबाई अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि वे उन्हें अपना सेवक बना लें, अपना दास बना लें। इस प्रार्थना के माध्यम से मीरा ने जो है भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण का जो है वो दर्शाया है कि हे प्रभु आप मुझे अपना दास बना लीजिए। वो जो है अपना समर्पण भाव भी यहाँ पर प्रकट कर रही हैं, साथ ही साथ अपनी भक्ति भावना को भी यहाँ पर प्रकट कर रही हैं। प्रथम लाइन में क्या लिख रही हैं कि श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। तो मीराबाई क्या कह रही हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण से विनती कर रही हैं कि वे उन्हें अपना सेवक बना ले। चाकर का मतलब सेवक से है, चाकर का मतलब यहाँ सेवक होता है, और मीरा स्वयं को भगवान की चाकरी यानी कि सेवा में रखने की इच्छा प्रकट कर रही है। उस पंक्ति में मीराबाई क्या कह रही हैं कि हे प्रभु, हे श्याम, हे गिरिधर, आप मुझे अपना चाकर रख लीजिए, मुझे अपना नौकर रख लीजिए, अपना सेवक बना लीजिए। दूसरी लाइन में क्या कह रही हैं कि चाकर रहशु बाग लगाशु, नित उठ दर्शन पाशु। क्या कह रही हैं कि वे कहती हैं कि यदि वे उन्हें भगवान का चाकर बनने का अवसर मिले, कि यदि उन्हें भगवान का चाकर बनने का अवसर मिले तो क्या हो जाएगा, तो वे हर दिन उनका दर्शन करेंगी और भगवान की सेवा में अपना जीवन बिताएंगी। क्या कह रही हैं कि दूसरी पंक्ति में चाकर रहशु बाग लगाशु, नित उठ दर्शन पाशु, कि यदि आप मुझे अपना चाकर रख लेंगे, अपना सेवक बना लेंगे, तो नित्य प्रति मुझे आपका दर्शन होगा, ठीक है। ठीक है, तो इस पंक्ति में यहाँ पर मीराबाई क्या कह रही हैं कि हे प्रभु आप मुझे अपना क्या बना लीजिए, चाकर यानी कि सेवक बना लीजिए, ताकि मैं प्रतिदिन आपके दर्शन कर सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। आगे क्या कह रही हैं कि बिंद्रा वनरी कुंज गली में लीला गोविंद लीला गाशु, भगवान मीरा भगवान की लीलाओं का यहाँ पर गायन करना चाहती है, और विशेष रूप से वृंदावन की कुंज गलियों में जहाँ कृष्ण ने जो है अपनी लीलाएं की थी। तो क्या कह रही हैं, वृंदावन
वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गाशो। तो यहाँ पर वृंदावन में जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं, उन लीलाओं पर प्रकाश डालते हुए यहाँ पर मीराबाई क्या कहती हैं कि जिस प्रकार से हे प्रभु आपने वृंदावन में क्या की थी, अनेक प्रकार की लीलाएं की थी, उन पर यहाँ पर मीराबाई क्या कर रही है, प्रकाश डाल रही है। तो व्याख्या यहाँ पर इसके बाद चौथी लाइन में यहाँ पर क्या कहती है मीराबाई, चौथी लाइन में क्या कह रही है कि चाकरी में दर्शन पास्यू सुमिरन पास्यू खर्ची। भगवान की सेवा में रहकर वे अपने दर्शन, उनके दर्शन और समर्पण का आनंद लेना चाहती हैं, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना होगा। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझे अपना सेवक बना लेंगे तो मैं क्या रहूंगी, मैं आपके दर्शन और आपका स्मरण का आनंद लेती रहूंगी, ठीक है ना, और उनके जो है मेरा जीवन फिर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा खजाना यही है कि मैं नित्य प्रति भगवान का दर्शन करती रहूंगी और उनका स्मरण करती रहूंगी, तो यही जो है मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर मीराबाई ने क्या कहा, चाकरी में दर्शन पासू, जब मैं आपके चाकरी में रहूंगी, आपकी सेवा में रहूंगी, तो नित्य प्रति मैं आपके दर्शन करती रहूंगी। तो आगे कहती है कि सुमिरन पास्यू खर्ची, और मैं नित प्रति आपका सुमिरन भी करती रहूंगी। पांचवी पंक्तियों में क्या कह रही है, भाव भगति जागीरी पास्यू तीनों बातों खर्ची करती, ठीक है ना। मीरा कहती है कि उन्हें भगवान की सेवा, भाव भक्ति और जागीर यानी कि धन्य भक्ति का फल जो है प्राप्त हो, ये तीनों चीजें जो है उनके लिए सबसे प्रिय होंगी। क्या क्या मांग रही हैं? वो क्या कह रही हैं कि भक्ति की, भगवान की सेवा, भाव भक्ति और जागीरी, तो इन तीन चीजों की यहाँ पर मीराबाई भगवान से जो है डिमांड कर रही है, मांग कर रही है कि हे प्रभु आप मुझे जो है अपनी सेवा में रख लीजिए और मुझे भक्ति का भाव दे दीजिए और जागीरी दे दीजिए, धन्य भक्ति का जो फल मिलता है उसे जो है मीराबाई कह रही है कि हे श्री कृष्ण आप मुझे इस प्रकार से जो है तीन जो है फल दीजिए, तीन चीजें उनके लिए जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे की पंक्तियों में यहाँ पर मीराबाई क्या कह रही है कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। वे भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि का यहाँ पर वर्णन कर रही है और वर्णन करती है कि जो मोर मुकुट और पीतांबर धारण किए हुए हैं और जिनके गले में बैजंती माला जो है सुशोभित है, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो खो जाना चाहती है और ऐसे भगवान की भक्ति भाव में वो जो है उनकी सेवा में रहना चाहती है। तो यहाँ पर इन लाइनों में क्या कह रही है कि मोर मुकुट मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, जिनके सिर पे जो है मोर का मुकुट है और पीतांबर वस्त्र जो है वो धारण किए हुए हैं और जिनके गले में जो है वैजंती माला है, ऐसे श्री कृष्ण की जो है वो छवि अपने मन में बिछा करके क्या कह रही है, वो जो है उनकी भक्ति भाव में डूब जाना चाहती है और यहाँ पर भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर रही है इस पंक्ति में कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, जिनके सिर पर जो है मोर का मुकुट है, पीतांबर उनके वस्त्र जो है अंगों में वस्त्र धारण किए हुए हैं और गले में उन्होंने बैजंती माला डाली हुई है, ऐसे श्री कृष्ण के रूप का यहाँ पर वो वर्णन कर रही है, ठीक है। इसके बाद आगे की पंक्तियों में क्या कह रही है, सातवीं जो पंक्ति है, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अब क्या कह रही है मीराबाई कि वो जो है भगवान श्री कृष्ण जो है क्या करते हैं, वृंदावन में गाय चराते हैं और मुरली बजाते हैं। क्या कह रही है, वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु का मतलब गाय से है, तो मोहन मुरली वाला, जो मोहन जो है मुरली बजाते हैं और गाय चराते हैं, यह श्री कृष्ण की जो है बाल लीलाओं का यहाँ पर प्रतीक है। तो बाल लीलाओं का भी वर्णन यहाँ पर मीराबाई कर रही है कि वो क्या करती है, वृंदावन में वो जो है धेनु चराते हैं यानी कि गाय चराए चराए करते हैं, साथ ही साथ वहां पर वो मुरली बजा करके समस्त वृंदावन वासियों का मन मोह लेते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान के जो है वो क्या है, सेवक बनना चाहती है, उसकी उनकी भक्ति में खो जाना चाहती है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों को भी आप लिख लेंगे।
आगे की पंक्तियों में देखिए, आठवीं पंक्ति में क्या कह रही है, ऊंचा ऊंचा महल बनावो बिच बिच राखियों बारी। तो आगे मीराबाई कहती हैं, क्या कह रही है यहाँ पर, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखियों बारी। वे भगवान श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हैं और बीच बीच में क्या कर रही हैं, बारी बाग का मतलब उद्यान लगाना चाहती हैं ताकि वे भगवान के जो हैं दर्शन कर सके। तो भगवान यहाँ पर वो भगवान के लिए क्या कर रही हैं, वे भगवान के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हैं और बीच बीच में बाग यानी कि उद्यान लगाना चाहती हैं ताकि वो भगवान के दर्शन कर सके और उन बागों में तरह तरह के वो फूल लगा सके जो कि भगवान के चरणों में वो अर्पण कर सके। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पंक्ति में मीराबाई क्या कह रही है कि हे प्रभु, मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे भवन बनाना चाहती हूँ और उस भवन के बीच में मैं जो हूँ क्या कर रही हूँ, बागों को भी बनाना चाहती हूँ, बगीचों को भी बनाना चाहती हूँ ताकि मैं उसमें तरह तरह के फूलों को जो है उगाऊं और फूलों को लगा करके आपके चरणों में समर्पित करूं, आपके चरणों में अर्पित करूं। यही भाव जो है इस पंक्ति में यहाँ पर मीराबाई बोल रही है। ठीक है। सांवरिया रा दर्शन पास्यू पहर कुसुम्बी साड़ी। आगे मीराबाई कह रही हैं कि भगवान के दर्शन करना चाहती हैं और उसकी सेवा में खुद कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनना चाहती हैं जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पर मीराबाई ने क्या कहा कि हे प्रभु, मैं आपका दर्शन पाना चाहती हूँ और आपकी सेवा में मैं कुसुम्बी रंग की जो है साड़ी पहनना चाहती हूँ जो कि प्रेम और भक्ति का जो है प्रतीक है, इसलिए जो है मैं आपकी जो है क्या कर रही हूँ, आपकी भक्ति कर रही हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा हो गया है और कल की क्लास में हम आगे के पदों को साथ ही साथ इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।